गाइज़, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हाल है सबके? कैसे हैं सब लोग? आज का दिन एज यूजुअल नॉर्मल होने वाला है, वही वापस दिनचर्या है। अभी वापस आ चुका है कई सारी चीज़ें, एंड घर समेटने काम मेरा नहीं है, वो कर देगा कोई और। तो बस यार, अभी आ चुके हैं सुबह के, हो तक 10:30। एज यूजुअल हमारा जो मेन काम होता है वो हम करने में लग चुके हैं, जो कि शायद आप लोगों को पता नहीं होगा सबसे बड़ा काम मेरा क्या है। ठीक है, एंड आज से वापस से लखनऊ आ चुके हैं। बेसिकली आज कानपुर में नहीं है, आपको दिख रहा होगा। मेरा मेन काम है बुलबुले बनाना, और वो की ऐसा ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा मेन काम है वो बोतलें। अरे इधर नहीं, इधर गई है वो, इधर इधर। ये जितनी बोतलें हैं ना, ये धोनी पड़ेंगी। जो ट्रिप पे गए थे तो इतनी बोतलें ही यूज़ हो पाए 2 दिन में, एंड सारी बोतलें धो के बस नहाने को निकलेंगे। सब कुछ रेडी है, हनु उठ चुकी हैं, पार्थ एज यूजुअल थके हुए बहुत ज़्यादा। ट्रिप तो असली उन्होंने ही करी है, मौज तो उन्होंने ही करी है, तो बस नहाने निकलेंगे एंड उसके बाद देखते हैं आगे क्या रहता है दिन। ठीक है, बहुत टायरिंग मेरे को भी लग रहा है, लेकिन क्या करें यार, काम भी करना जरूरी है। ठीक है, चलो बस नहा धो के फटाफट मिलते हैं फिर आपसे ऑन द वे टू होस्ट। गाइस, दिन हो रहा है लगभग ख़त्म, एंड अभी मैं घर आ चुका हूँ। आज मेरा मूड शाम से ऑफ था, क्योंकि जब से मैंने कार को देखा ना डैमेज हुई, तब से मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। मूड ऑफ हो चुका था, क्योंकि कार को डैमेज देख के यार समझ में नहीं आ रहा गाड़ी लड़ी कहाँ से है, लड़ी नहीं। एज प्रेजेंट मेरे को ना देखो इस टाइम पे दिख नहीं रहा है कुछ, अनु कुछ दिख नहीं रहा ऐसे कार में कि कुछ कार डैमेज है, लेकिन दिन के टाइम दिखता है। एंड गाइज, मूड थोड़ा आज बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था। मैं कार को सोच के मैंने अपनी कार को इतने ध्यान से इतने प्यार से रखा है, और अपनी गाइज बेसिकली ये देखो, ये यहाँ पे एक ये डेंट आया है। ठीक है, यहाँ पे छेद कुछ काला फंसा हुआ है, पता नहीं किस, मतलब किसी बाइक का फंसा हुआ है साइड। आई डोंट नो हाउ दिस थिंग हैपेंड, ये कार क्रैक्ड है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कब हुआ है कैसे हुआ है, लेकिन हुआ तो है, कल ही हुआ है जो भी हुआ है। तो गाइज, गाड़ी का तो अब हो गया, क्या करें अब, इंश्योरेंस वालों से बात करते हैं, देखते हैं इंश्योरेंस क्लेम में आता है कि नहीं। थैंक्स टू द जीरो डेप्थ, या कार का इंश्योरेंस करवाओ तो जीरो डेप्थ ही करवाओ। इस लड़के को देखो कितनी मजा आने लगी, बड़ा हो चुका है आजकल, पीछे ही बैठता है, आगे आता ही नहीं है शैतान लड़का। बहुत मजा आ रही है ना, तुम क्या सुपर हीरो शक्ल देखे खाते तो तुम हो चुकी ना, बॉडी है ना बॉडी, सुपर हीरो बनेंगे। तो बस जा रहे अभी अनु के खाने, इनको लस्सी पीने का शौक था, मन चढ़ा, कहा कि मम्मी जी के हाथ की लस्सी पीने का मन है तो दही लो एंड चलो लस्सी बनवाने। तो बस अभी दही लेने जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं मम्मी जी के यहाँ, वहाँ से मस्त लस्सी पीने वाले हैं और फिर तुम लोग को दिखाने वाले हैं। पता है मुझे थोड़ा लंबा घूमते हैं तो ऐसे घूम नहीं सकते क्या तुम? तो मतलब एकदम ही मतलब घर घर की वही हो गई, मतलब घर से निकलो मम्मी जी के, मम्मी जी के निकलो घर, ये हमारे पर काम रह गया, और तो घूम भी लिया करो हमारे साथ। हम दिन भर बैठ के 50 लोगों को झेलते हैं, इतने इतने लोग आते हैं, मेरा दिमाग खा के आते हैं, यश तो पागल कर देता है मेरे को, और तुम घूम नहीं सकती मेरे साथ। ठीक है, ये भी कैप्चर हो गया कि मैडम को मेरे साथ घूमना पसंद नहीं, अब यश इस पर कुछ ना कुछ तो करेगा ही। ठीक है, चलो अभी मिलते हैं, दही ले लें फिर लस्सी के साथ मिलते हैं हम। पार्थ गाइज, यहाँ पे पार्थ हमारा ब्लॉग इंजॉय करते हुए, एंड ये मैडम जो लस्सी दही आई थी ना उसकी लस्सी इंजॉय करते, अकेले अकेले पी लो तुम अनु, हम लोग से पूछोगे कि नहीं पूछोगी? सारी दही अकेले पी रहे हैं, सॉरी लस्सी, तुमको नहीं पूछा पार्थ लस्सी के लिए? नहीं कोई मतलब नहीं, इज एंजॉयिंग द व्लॉग, दैट्स कॉल्ड डेडिकेशन। तुम लोग भी ऐसी डेडिकेशन लाओ गाइस, तुम लोग भी ऐसी डेडिकेशन लाओ, देख रहे। तो गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है, एंड अब हो रखा है लाइक सुबह हो रखी है, नेक्स्ट डे है बेसिकली, एंड आज यार दांत दिक्कत दे रहा है, तो उसको आज देख के उसका खेल समाप्त करने का वक्त आ चुका है। डीच डब्बू एज यूजुअल स्पैमिंग कर रहा है, नीचे गया हुआ है, नीचे उसको ले गए थे वीडियो टोन के लिए, तो लोग मंगाएंगे उसको, मतलब नीचे बैठे तो आराम से। ठीक है, ये देखो घंटी बजा रहा है, घंटी की फुल कॉपी करता है यार, दर्द हो रहा है तो सोचा इसको दिखा ले, अब देखते हैं क्या रहता है आगे। एंड ऑफिस ब्लॉक को यही होगा दांत का वो ऑपरेशन, एंड उसके बाद हो सकता है मैं एक दिन ब्लॉग भी ना कर पाऊँ। ओके गाइस, यार डेंटिस्ट के आ चुके हैं दांत सुंदर करवाने, ठीक है तो चलो आगे देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। ठीक है, अच्छी खबर मिलनी चाहिए।
और स्वागत तो पान पराग से ही होगा। ठीक है चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, दांत सुंदर से करवा के। यहाँ पे हम आ चुके हैं, यही वो स्थान है जिससे हमारा कुछ होने वाला है। ठीक है देख रहे हो, पहले इस बेंच पे बैठेंगे, फिर आगे तो पता नहीं क्या होने वाला है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। ओके चलो कुछ निकलवाते हैं या कुछ सही करवाते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे। तो गाइस अभी यार 2 बजे का अपॉइंटमेंट मिला है, अभी तो लाइक 2 बजे ना तो पड़ेगा। ठीक है खुश तो बहुत हो रहे हो तुम लोग, खा सके शायद, एंड उसके चक्कर में हो सकता है स्ट्रीम भी ना हो पाए। सो नो स्ट्रीम टुडे, मे बी टुमारो हो। आज तो बोलना भी अलाउड नहीं होगा, जब वो हो जाएगा बोलने का खाना भी नसीब में नहीं रहेगा आज के लिए। तुम लोग तो ये शराब लगता है, गलत वीडियो डाल दिया परसों वाला, इसमें तुम लोगों ने खाने पर नजर लगाई तो अब मेरा खाना ही बंद हो जाएगा आज। कोई बात नहीं ठीक है, ये भी हो जाएगा तो आगे फ्यूचर में बेटर रहेगा, एंड कई सारी चीज़ें डॉक्टर ने बताई हैं, एंड देखते हैं क्या रहता है और कितने मजे आते हैं तुम लोगों को। ठीक है 2 बजे मिलते हैं ऑपरेशन का टाइम पे। ऑपरेशन मजाक करे, वे दांत ही निकलवाने आए, अब एक बार पहले भी निकल चुके, एक बार फिर से निकलवाना है। चलो लगो निकलवा ही लेते हैं, दिक्कत देर से पहले निकलवा दो। सो इनका इंजेक्शन लग चुका है गाइस, फील नहीं हो रहा है बट थोड़ा थोड़ा हो ही रहा है अभी, बस हैंड वाला निकलना है लेफ्ट साइड का, किसी को निकलवाना तो बताना। सबके, एंड टुडे इज़ द 3rd डे ऑफ दिस व्लॉग, एंड आज इसको अपलोड कर दूंगा फाइनली। सो आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा हल्का है, अजीब सा है, टिकलस सा है, लेकिन ठीक है पहले से बहुत बेटर है। एंड बस अपनी बालकनी में आए हुए थे, मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, एंड आपको एक चीज़ दिखाते हैं बहुत प्यारी सी। यहाँ पे एक कमल का फूल खिला है हमारे इसमें पॉन्ड में, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अभी खिला है फिर बंद हो जाएगा थोड़ी देर में, यही होता है इसके साथ, कल भी यही होता है, कल फोटो नहीं बना पाया इसकी, जाने से पहले सुबह खिला था, सुबह देर से उठे तो ये ऐसे ही खिलता है, और देखो क्या क्वालिटी का सिस्टम है, तो ऐसे ही खिलता है तो अभी बंद हो जाता है। इसकी अच्छी से मैंने वीडियो लिया, आपको एंड में डाल दूंगा, देखिएगा इंजॉय करिएगा। एंड द थिंग इज दैट कि जो दांत वहाँ निकला था वो भी क्या कहते हैं उसको, मैंने संभाल के रखा है, कहाँ रखा है ये नहीं पता। हाँ ये रहा, ये इट इज गाइस हमारा दांत यहाँ से निकला है, ये था हमारा दांत, दिस इज इट, दैट्स अ विजडम टूथ जो हमने उखड़वा दिया है, एंड अभी फिट फील हो रहा है, दवा खाई है तो कल तो भाई दवा खाते भी हो चुके थे, पता नहीं क्या दवा में था, एंड अभी जस्ट उठा हूँ। तो बस चलो होप करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड हमारे दांत की वजह से हमको लाइक दीजिएगा, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। होप यू एंजॉय द ब्लॉग, बाय गाइस। वो देखो बैठी पीछे, वो तो यस हो गया सो रहे।